आज संसद में पेश होगा अंतरिम बजट। सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना पहला अंतरिम बजट। आज 8:15 बजे अपनी बजट टीम के साथ नॉर्थ ब्लॉक गेट नंबर 2 पर फोटो सेशन में शामिल होंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के हाथों में होगी बजट की कॉपी। आज सुबह 9:15 बजे संसद पहुंचेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। संसद भवन की सीढ़ियों पर होगा वित्त राज्य मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री की फोटो सेशन। आज सुबह 10:15 बजे संसद भवन में ही होगी कैबिनेट की बैठक। बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी समेत सभी मंत्री जाएंगे लोकसभा। अंतरिम बजट पेश होने से पहले फोटो कार्यक्रम में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ क्लिक करवाई तस्वीरें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 फरवरी से होगी चर्चा। लोकसभा में 5 फरवरी और राज्यसभा में 7 फरवरी को जवाब देंगे पीएम। पेपर लीक रोकने के लिए बिल लाएगी मोदी सरकार। 5 फरवरी को लोकसभा में पेश होगा बिल। बिल के अंदर जुर्माना और सजा का प्रावधान। इस महीने हुआ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मंथली जीएसटी कलेक्शन। 1,72,000 करोड़ से ज्यादा हुआ जीएसटी कलेक्शन। 2 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 2 जोन में बांटा गया आसपास का इलाका। यूपी में सीट बंटवारे पर एसपी और कांग्रेस में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को 11 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं अखिलेश, सूत्रों के हवाले से खबर। एसपी उम्मीदवारों पर अखिलेश यादव ने कहा सीटों का बंटवारा अच्छा होगा। यूपी से बीजेपी के सफाई की कोशिश। सभी दलों की सहमति एकजुट रहेंगे। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची ईडी टीम। कई नेता राबड़ी देवी के आवास पर रहे मौजूद। करीब 10 मिनट रहने के बाद रवाना हुई ईडी की टीम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। सूत्रों के हवाले से खबर। शराब घोटाले मामले में 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर किया ट्वीट। लिखा मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहरों का पुनरुद्धार हो रहा है और फिर से गौरव बढ़ रहा है। ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का हमला। कहा तृणमूल पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। इनके बहुत सारे मंत्री जेल में हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल गांधी। कहा मैं सामाजिक न्याय के बारे में बात करना चाहता हूं। जाति आधारित जनगणना करवानी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। ग्वालियर में कहा मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी बीजेपी। स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में ली शपथ। 2 बार दिलाई गई ओथ। सीएम विष्णु देव साय ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा खून के कतरे कतरे का हिसाब चुकाएंगे। प्रशांत कुमार बने उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में संभाला पदभार। विजय कुमार हुए सेवानिवृत्त। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज। कहा जनता पूछ रही है कि कार्यवाहक डीजीपी बनाने का खेल दिल्ली लखनऊ के झगड़े की वजह से हो रहा है या अपराधियों संग साठगांठ की वजह से। लद्दाख में चीनी सैनिकों से भिड़े निहत्थे चरवाहे।
बख्तरबंद वाहनों पर चलाए गए पत्थर, वीडियो किया गया शेयर। लद्दाख मामले पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा हमारे चरवाहों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों का सामना किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके साहस को मेरा सलाम। दिल्ली शराब घोटाला मामले में विजय नायर को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 फरवरी तक बढ़ाई जमानत, 19 जनवरी से अंतरिम जमानत पर है विजय नायर। आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में आजम खान समेत 7 आरोपियों को किया गया बरी। AIMIM विधायक वारिस पठान का आरोप, मुंबई के बायकुला में कुछ लोगों ने 2 युवकों की पिटाई की, धार्मिक नारे लगवाने का किया दावा। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की मिली इजाजत, हिंदू पक्ष की अर्जी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास जी तहखाने की पूजा पाठ की अनुमति दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में पूजा को लेकर प्रशासन की बैठक, वाराणसी डीएम ने कहा कोर्ट के आदेश का पालन होगा, कानून व्यवस्था बरकरार रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद आज से ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू, श्रद्धालुओं ने शुरू की पूजा अर्चना। ज्ञानवापी मामले पर बोले अखिलेश यादव, सोशल मीडिया पर कहा कोर्ट के आदेश का पालन करते समय अपनाए उचित प्रक्रिया। तहखाने में पूजा की इजाजत मिलने पर विष्णु जैन का बयान, कहा 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करने के आदेश, हनुमान चालीसा रामायण पाठ होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सोहन लाल आर्या ने बताया बड़ी जीत, कहा आज ही नियुक्त किए जाएंगे पुजारी। शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने टाइम्स नेटवर्क पर कहा हमारी लड़ाई की जीत हुई, जल्द पूजा शुरू करेंगे। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले को लेकर मथुरा में जश्न का माहौल, साधु संतों और हिंदू संगठनों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर ओवैसी ने कहा जो कोर्ट ने फैसला लिया उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया, ये सरासर गलत फैसला, 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है। ज्ञानवापी में तहखाने में पूजा को लेकर फैसले पर हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, कहा 1993 से पहले पूजा का दावा निराधार, वहां मूर्ति नहीं। मुस्लिम पक्ष के हाईकोर्ट जाने को लेकर विष्णु शंकर जैन का बयान, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैवियट फाइल करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फ के कारण सड़क से फिसलकर खाई में गिरी कार, हादसे में 7 लोगों की मौत और 7 घायल। कानपुर में गंगा घाट के किनारे लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ा, लोगों ने की मगरमच्छ की पूजा, जानवर के साथ क्लिक करवाई तस्वीरें। नोएडा में सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के नीचे बिजली के खंभे में लगी आग, तार टूटने से नीचे खड़ी बाइक भी झुलसी। कानपुर में हरबंस इलाके की एक मिठाई की दुकान में आग लगी, आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। बरेली में कम नहीं हो रही साइको किलर की दहशत, 11वीं महिला के कत्ल से पुलिस महकमे में हड़कंप। दिल्ली के संगम विहार इलाके में चाकू गोद कर 30 साल के जफरुद्दीन की हत्या, शराब को लेकर हुई थी लड़ाई, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। एमपी के ग्वालियर में कट्टे के दम पर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, 3 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम, केस दर्ज।
इंदौर के निजी स्कूल में तलवार लेकर पहुंचा सिरफिरा छात्र, कैमरे और टेबल कुर्सी को पहुंचाया नुकसान, पिता और पुत्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। एमपी के जबलपुर में गुंडों ने पेट्रोल पंप में किया तांडव, पेट्रोल का पैसा मांगने पर कर्मचारियों के साथ की गाली गलौज, बिना पैसा दिए हुए फरार। एमपी के डिंडोरी के गर्ल्स हॉस्टल से दो छात्राएं लापता, दो दिन बाद वार्डन को लगी खबर, एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। थाने में भोजन के बाद 109 छात्र बीमार, फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती, बीमार हुए स्टूडेंट्स में 63 लड़कियां शामिल। तमिलनाडु मानव तस्करी मामला, एनआईए ने बांग्लादेशी मूल के 3 शख्स के नाम पर 2 आरोप पत्र किए दायर। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में छात्र ने की आत्महत्या, कॉलेज के 6th फ्लोर से कूद कर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के कपाड़ा में टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 आईईडी समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। राजस्थान के बानसूर में जंगल से भागा बाघ, 48 घंटे से वन विभाग पकड़ने में असफल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई करने का हंगामा, नगर निगम की टीम को रोका गया, हालात तनावपूर्ण। भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से फिर किया दो दो हाथ, डाकुओं के चंगुल से बचाए श्रीलंकाई नाव और मछुआरे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जल्द चलेगी ट्रेन, सुंबर रेलवे स्टेशन पर सफलतापूर्वक पूरा हुआ ट्रेन का ट्रायल। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला, कई इलाकों में हुई बारिश, तेज हवा के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज। शिमला में बुधवार को जमकर गिरे ओले, चंद मिनटों में ओले की वजह से सफेद हुई सड़कें और बढ़ी फिसलन। उत्तरकाशी में बर्फ की चादर में ढका गंगोत्री धाम, मंदिर के पास खूबसूरत नजारा। सफेद चादर में लिपटा नजर आया हिमाचल का कुल्लू शहर, सड़कों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। हिमाचल के कुल्लू में भारी स्नोफॉल, लगातार बर्फबारी के चलते हाईवे पर आवाजाही बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर के कुपवाड़ा में स्नोफॉल के बाद सड़क साफ करने में जुटा प्रशासन, जेसीबी से हटाई जा रही है बर्फ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर जय शाह का कार्यकाल बढ़ा, सर्वसहमति से 1 साल के लिए बढ़ाया गया टर्म।